पर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट के फाइव के देख रहे हैं इसके अंदर अभी हम लोग नवंबर नाइनटीन तो का देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें से एग्जाम इस अच्छे मार्क्स तो देखते है क्या क्या दिया हुआ है लिखा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्टीन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड इज टू बी कैलकुलेटेड एज पर वेटेज एवरेज मेथड से हम लोग कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया है द कम्पोनेंट्स ऑफ वर्क वर्क प्लेस इथिक्स बिहेवियर आर बोलता है जो कंपोनेंट्स होता है वर्क प्लेस पे इथिक्स बिहेवियर्स आर वो क्या है होनेस्टली है लीगैलिटी है डिस्कलोजर है या ऑल ऑफ द अबो है तो जो कंपोनेंट्स होते हैं वर्क प्लेस पे इथिक्स का वो क्या होता है ऑल ऑफ द ऑल ऑफ दिस मतलब सबके सब होने चाहिए यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है द कैरिंग अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज द शो एट बोलते जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट रहते हैं वो शो होता है किसके अंदर कॉस्ट के अंदर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू विच एवर लोअर तो जो कॉस्ट रहते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के वो किस पे शो होते हैं कॉस्ट पे हम लोग को शो करना पड़ता है नेक्स्ट यहाँ पे दिया है चार्जिंग कॉस्ट ऑफ फैमिली डिनर इज अ कंपनी मिस मिसअप्रोप्रिएशन असेट्स है फ्रूडेंट रिपोर्टिंग है इथिकल रिपोर्टिंग है ऑल ऑफ दिस है तो चार्जेस ऑफ कॉस्ट ऑफ फैमिली डिनर इन द कंपनी क्या है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स है। नेक्स्ट यहाँ पे, द अमाउंट नॉट कलेक्टेड बाई शेयर होल्डर शुड बी शो एच क्या कौन से एड के अंदर आएगा करंट लैबडेज के अंदर कैपिटल रिजर्व के अंदर शेयर कैपिटल या रिजर्व कैपिटल के अंदर तो जो अमाउंट रहेगा द अमाउंट नॉट कलेक्टेड बाई शेयर होल्डर वो शो होता है करंट लाइबिटीज के अंदर शो होगा नेक्स्ट बिफोर द बाई बैक ऑल द शेयर मस्ट भी क्या होना चाहिए पार्टली पैडअप रहना चाहिए सब्सक्राइब रहना चाहिए फॉरफिटेड या फुल्ली पैडअप तो बिफोर बाय बैक ऑल शेयर क्या होना चाहिए मस्ट भी फुल्ली पैडअप होना चाहिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया है द इथिकल इशू फेस बाय द अकाउंटेंट इंक्लूड मतलब जो इथिकली इशू फेस होता है अकाउंटेंट की तरफ से वो क्या क्या होता है एक्यूरेसी अकाउंटेबिलिटी मोराल ऑल ऑफ दिस तो इसका राइट right ऑप्शन आ जाएगा जो इथिकली इशू फेस होते हैं वो क्या रहता है यहाँ पर सब के सब होते हैं अकाउंटेंसी सॉरी एक्यूरेसी का भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम होता है अकाउंटेबिलिटी का भी है मोरल का ऑल ऑफ दिस इसमें है पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज बेस्ड ऑन बोलता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड किसके बेस पे होता है पेड अप कैपिटल के बेस पे होता है नेक्स्ट यहाँ पे दिया है शेड्यूल थर्ड ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 रिक्वायर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बी प्रिपेयर इन हॉरिजेंटल फॉर्म वर्टिकल फॉर्म और यहाँ पे कन्वेंट फॉर्म और कॉलम फॉर्म तो जो वर्टिकल जो हम लोग का शेड्यूल थर्ड के हिसाब से हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं वो कैसा होता है स्टूडेंट वर्टिकल फॉर्म में होता है कैसा होता है वर्टिकल फॉर्म तो इसका राइट राइट आंसर आपका आ जाएगा वर्टिकल फॉर्म इंटेरियम डिविडन ऑफ द कंपनी कैन बी डिक्लेयर बाय इंटेरियम डिविडन कौन डिक्लेयर करता है कंपनी का तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर करता है इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और भी ऑप्शन में आपको शेयर होल्डर मैनेजिंग डायरेक्टर से भी दिया है बट ये लोग डिक्लेयर नहीं करते हैं इंटेरियम डिविडन जो रहता है कंपनी का वो डिक्लेयर करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो जो स्कीम रहता है, तो है, तो है मतलब शेयर होल्डर से भी परमिशन चाहिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कोर्ट मतलब इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ दिसमिटेड थाउजेंड इक्विटी शेयर हंड्रेड इज फुली पेडअप इस शेयर्स सब्सक्राइब एंड सब इक्विटी शेयर ऑफ टेन इच नंबर ऑफ शेयर आफ्टर सब डिवाइड तो पहले कितना था एट थाउजेंड था बट एक शेयर हंड्रेड का था तो अभी हंड्रेड को यदि हम लोग डिवाइड कर देते टेन से तो मतलब एक शेयर के बदले में दस शेयर मिलेगा तो एट थाउजेंड इंटू टेन सब डिवाइड करने पर शेयर्स बढ़ जाते हैं तो अभी कितने एट्टी थाउजेंड शेयर्स हो जाएंगे